जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, कि एक सेल के अंदर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम कैसे हो सकती है और उसके क्या क्या वजूहत हैं और इस पे सेल पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमने शेयर करनी है, आज डिस्कस करनी है, वो हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, क्योंकि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल का डिफरेंस है कि जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो हम देखेंगे इस वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से सेल वॉल के होने का क्या फ़ायदा है और ना होने का क्या नुकसान है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाई वाटर बैलेंस प्रॉब्लम की, तो एक सेल में जो वाटर की मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है ऑस्मोसिस से। किससे कंट्रोल होती है? ऑस्मोसिस से, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, के वाटर की मूवमेंट होती है हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की, कि मतलब लेस सॉल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे मूवमेंट होती है हाई सॉल्यूशन की। तो अभी ऑस्मोसिस में मैंने आपको तीन केसेस बताए थे, इसमें तीन केसेस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये तीन सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि ऑस्मोसिस में होती है। कि हाइपोटोनिक का क्या मतलब होता है? हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपो का मतलब होता है लेस, इसका मतलब, टोनिक का क्या मतलब होता है? सॉल्यूट, इसका मतलब जो सेल के इर्द गिर्द सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा? लेस सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा, और अगर सॉल्यूट कम होगा तो वाटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम हाइपर की बात करें, हाइपर का क्या मतलब होता है? लार्ज, ज़्यादा, और टोनिक का क्या मतलब है? सॉल्यूट या सॉल्ट्स। तो ये क्या सॉल्यूट या सॉल्ट्स क्या होंगे? ज़्यादा, और वाटर इसकी निस्बत क्या होगा? कम होगा। देखें अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट की मिकदार कम है, वाटर की क्या है? अमाउंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि वाटर कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ से मूव क्या करेगा सेल? वाटर कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द सेल। और यहाँ पे वाटर की मिकदार कम है, इसका मतलब मिकदार कम है तो ये भी क्या होगा? वाटर जहाँ पे कम होगा वहाँ से क्या करेगा? जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा, मतलब आउटसाइड द सेल जाएगा, ठीक है। और आइसोटोनिक में क्या हो गया? सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं? इन दोनों की इक्वल होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में, कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल में इन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल की हम बात करते हैं किस में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये है एक एनिमल सेल, ये क्या है? एनिमल सेल है। हम इसकी बात करते हैं इन हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एनिमल सेल की बात करते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल होता है, क्या होता है, और सेल वॉल का इसमें क्या फंक्शन है, और सेल वॉल ना होने का इसमें क्या नुकसान है। अच्छा, हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस सॉल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट्स यहाँ पे क्या है? लेस है, और वाटर यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वाटर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल, आउटसाइड द कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है तो वाटर कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द सेल। जब वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करने के बाद कहाँ जाएगा? वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल में जाने के बाद ये क्या करेगा? वैक्यूल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज होगा, इसके बाद क्या होगा? इस सेल का साइज़ इंक्रीज होगा। जब ये सेल का साइज़ एक लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल ना होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो क्या होगा? सेल क्या कर जाएगा? यहाँ पे रप्चर्ड कर जाएगा, मतलब के फट जाएगा। ये सेल क्या हो गया? यहाँ पे रप्चर्ड हो गया, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि सॉल्यूट बाहर कम थे, वाटर ज़्यादा था, तो वाटर क्या किया? इनसाइड द सेल मूव किया। इनसाइड द सेल मूव करने की वजह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि ये जो सेल जोनसा था वो क्या हो गया? रप्चर्ड हो गया। एक और आपको बात बता दूं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये हमेशा कहाँ पे होते हैं? फ्रेश वाटर्स में होते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक मूवमेंट होती है। और जो होते हैं सी वाटर में एनिमल्स, सी वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद है यहाँ पे एनिमल सेल का हमने कर लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब हम बात करते हैं इसकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसका क्या होता है।
ये एक सेल है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपरटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है, ठीक है। सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है। अब सेल के बाहर ये सिचुएशन है कि सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, इसका मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो जो सब सेल के अंदर यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर हमेशा कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वाटर क्या करेगा, आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा। जब ये आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा, वाटर सेल के बाहर चल जाएगा, जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, बिकम श्रिंक। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर गया, आउटसाइड द सेल मूव कर गया। और रही बात आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक को हम डिस्कस करते हैं, तो आइसोटोनिक में क्या होता है, जितने सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की मिकदार होती है उतनी ही सेल के बाहर होती है, तो सेल क्या करता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये हमने बात करी एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सेल रप्चर कर जाता है क्योंकि वाटर सेल के अंदर आ जाता है, और प्लांट सेल में सेल श्रिंक कर जाता है क्योंकि वाटर सेल से बाहर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रप्चर क्यों कर जाता है, क्योंकि इसके लिए सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल ना होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अब अगले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में अब हम ये तीनों केस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क आता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब यहाँ पे इसकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, ये है प्लांट सेल, सेम वही सिचुएशन है, सॉल्ट्स यहाँ पे कम है और वाटर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, और अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, कम है। तो वाटर आपको पता है हमेशा कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। जब यहाँ पे सेल इनसाइड द सेल वाटर मूव करेगा, प्लांट सेल के अंदर आपको पता है एक लार्ज वैक्यूल होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होगा, उस लार्ज वैक्यूल में वाटर बढ़ता जाएगा। तो वाटर वो लार्ज वैक्यूल के अंदर जब वाटर इंक्रीज होगा तो वैक्यूल क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा अगेंस्ट द सेल वॉल, कि क्या करेगा, सेल जो वैक्यूल है वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन होती है, उसने सेल की शेप को मेंटेन रखना होता है, इसलिए वो सेल को रप्चर्ड नहीं होने देगी, सेल की शेप को मेंटेन रखेगी सेल वॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वैक्यूल का अगेंस्ट द सेल वॉल, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्गर, ठीक है। जो प्रेशर लगता है अगेंस्ट द वैक्यूल, जो प्रेशर लगाता है पानी ज़्यादा होने की वजह से अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है, ठीक है, रहता नॉर्मल लेकिन टर्जिड हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक में भी वही है, सॉल्यूट यहाँ पे बाहर ज़्यादा है और सेल वाटर क्या है, कम है, इसका मतलब सेल के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो बाहर कम है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से मूव करके वाटर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। जब यहाँ से मूव करके वाटर बाहर जाएगा तो जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है, जब उसमें से सारा वाटर मूव हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा। तो प्लांट सेल में श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, कि यहाँ से सारा वाटर क्या कर गया, आउटसाइड द सेल मूव कर गया, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेल का वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, जिसे हम सेल को हम क्या, प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, ये हमेशा याद रखना है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, एनिमल के सेल के हम श्रिंकेज होने को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते। तो यहाँ पे सर क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, प्लाज्मोलाइज हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक में वही सेम रहता है, सॉल्ट
और वाटर की अमाउंट क्या रहती है, इक्वल रहती है. जितना सॉल्ट इनसाइड द सेल मूव करता है उतना ही सॉल्ट क्या करता है आउटसाइड द सेल मूव करता है. तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, कि एक सेल में वाटर बैलेंस किस तरह कितनी प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सेल ने ब्रस्ट होना होता है, फ्लैसिड होना होता है. लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो यहाँ पे ब्रश हो जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रिगर प्रेशर लगता है, टर्जी टू द सेल. हाइपरटोनिक में यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाता है, प्लांट सेल में क्या हो जाता है, श्रिंक को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. आइसोटोनिक में दोनों सेल की शेप क्या रहती है, नॉर्मल रहती है.